देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI क्रिकेटर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रहा है। बायो बबल माहौल में क्रिकेट की चुनौतियों को देखते हुए BCCI सरकार से संपर्क कर रहा है। बोर्ड के कोषाध्यक्ष और IPL गवर्निंग काउंसिल के मेंबर अरुण धूमल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बायो बबल में क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ क्रिकेटर्स के लिए भी काफी चैलेंज है। इन दिनों डोमेस्टिक सीजन भी बायो सिक्योर माहौल में खेले जा रहे हैं। ऐसा तब तक करना होगा जब तक हर खिलाड़ी को वैक्सीन नहीं मिल जाती। सरकार फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रही है। इसके बाद 50 साल तक की उम्र से ज्यादा और जरूरतमंद लोगों को टीका लगाया जाएगा। हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं ताकि खिलाड़ियों को भी वैक्सीन दी जा सके। कोरोना के बाद देश में पहली इंटरनेशनल सीरीज में दर्शकों की मौजूदगी पर अरुण धूमल ने ये भी कहा कि वो लगातार हालात को रिव्यू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि स्टेडियम में दर्शक लौटें, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही काम करना होगा। मौजूदा हालात में ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर 25-50% दर्शक भी स्टेडियम में लाने की अनुमति मिलती है तो ये अच्छे संकेत होंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण साल 2020 IPL UAE में हुआ था। अब UAE में इन दिनों कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में इन दिनों हालात काबू में हैं और मामले लगातार घट रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाने के बाद मैदान में उतारने से जोखिम कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।